चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। गत विजेता पीवी सिंधु अपने खिताब की रक्षा के इरादे से उतरेंगी कोर्ट पर। पहले दौर में सिंधु को मिली है बाय। आज श्रीकांत और साई प्रणीत खेलेंगे अपने अपने पहले दौर के मुकाबले। नमस्कार, और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आयोजित समारोह में जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा धनराशियों जैसे बचत, फिक्स, चालू, सावधि जमा आदि को शामिल किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस सुधार के तहत बैंक जमा राशि बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक के हिसाब से 5 लाख रुपए के जमा राशि बीमा कवरेज के पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से सुरक्षित खातों की संख्या कुल खातों की संख्या का 98.1% थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक 80% ही है। अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने जारी किया है। ये भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है जिन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं ने दावे किए थे। उनके दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान उनके वैकल्पिक बैंक खातों में किया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 और 13 दिसंबर को इंडिया गेट में स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने वॉल ऑफ फेम का भी उद्घाटन किया। सर्वोच्च बलिदान का ये स्वीकृति हमारे वेटरन्स के अनुकरणीय पराक्रम का ये कृतज्ञता उनके देश के प्रति निस्वार्थ सेवा। इस दौरान दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का स्वर्णिम विजय पर्व पर संदेश भी दिखाया गया। जनरल रावत इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश ने उनके निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खो दिया है। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। रक्षा मंत्री ने दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो लगातार उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उनके पिता के संपर्क में है। रक्षा मंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह इस समय बेंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।
मैं लगातार संपर्क में हूँ और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं वह जल्दी स्वस्थ होकर वह बाहर आएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें। रक्षा मंत्री ने विजय पर्व के मौके पर 1971 के युद्ध को याद करते हुए कहा कि इस मौके पर दो बातें प्रमुखता से सामने आती हैं। एक है भारतीयों की मानवता और दूसरी है विश्व बंधुत्व की। उन्होंने कहा कि हमने मानवता और बंधुत्व की भावना को सीमित नहीं रखा और पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले हर जीव जंतु को अपना परिवार माना है। जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें एक दो चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं, वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। संपूर्ण पृथ्वी जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं, सभी उसके अंतर्गत आते हैं। विश्व में अकेला देश हमारा यह भारत है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है, ये हमारा आपका देश, ये हमारा भारत है। स्वर्णिम विजय पर्व के मौके पर प्रमुख युद्धों के अंशों के साथ 1971 की लड़ाई के दौरान उपयोग किए गए हथियारों और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया। रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में लगाई गई पूर्वी और पश्चिमी थिएटर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उद्घाटन के बाद आम लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। राजा सिंह ने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थिएटर एग्जीबिशन का भी अवलोकन किया। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस विजय पर्व में सेना की ओर से आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी, पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र में हुए युद्ध के तमाम ऑपरेशनों की झलकियों के साथ ही और शाम के समय में लाइट एंड साउंड शो के भी आयोजन यहां पर किए जाएंगे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर, देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हैदराबाद सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। ये प्रदर्शनी हरियाणा और तेलंगाना जैसे समरूप राज्यों के कलारूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि जैसे विभिन्न दिलचस्प पहलुओं को रेखांकित करेगी। ये प्रदर्शनी 12 से 14 दिसंबर 2021 तक हैदराबाद के नामपल्ली के पोटी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय परिसर में अवलोकन के लिए खुली रहेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ावा देने और हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने बाने को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई एक अनूठी पहल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी काशी के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास गहरा संबंध रहा है। कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर वाराणसी के घाटों को दीपों से रोशन किया गया है। वहीं रंग बिरंगी रोशनी काशी धाम की भव्यता को और निखार रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की आरती के समय घंटियों और डमरुओं की निनाद के साथ रोशनी का संयोजन किया गया है। धाम तक आने वाले रास्तों पर फ्लोर लाइटिंग लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को लाइटिंग के साथ बाबा के गर्भगृह तक लेकर जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को शिव दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन महीने भर चलने वाले कार्यक्रम चलो काशी की ओर की भी शुरुआत होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत की आभा प्राप्त करने में मदद करने के लिए योगदान देना पीएम मोदी का प्रण था। इसके साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास की यात्रा शुरू की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के लिए पीएम मोदी की लंबी यात्रा एक नए भारत के निर्माण के उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक आधुनिक आत्मनिर्भर भारत जो आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। जो अकल्पनीय था उसे मां गंगा के सपूत ने पूरा कर दिखाया, ये कहना है काशी विश्वनाथ धाम न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे जी का। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए पांडे जी कहते हैं कि ये सौंदर्यकरण पूरे विश्व में सनातन धर्म के अनुयायियों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं की जीत है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो ने। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसके 200 साल बाद अब ये काशी विश्वनाथ धाम अपने पुराने गौरव पर लौटा है और इसका सौंदर्यकरण करवाने का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे साथ काशी विश्वनाथ धाम न्यास के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नागेंद्र पांडे। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं अहिल्याबाई से लेकर आज किस तरह से देखते हैं आप। ये ऐसा है कि काल कभी बैठा नहीं रहता, वो सतत प्रवाहशील रहता है। तो जिस समय जिस परिस्थिति में महारानी ने इसकी स्थापना किया, मुझे लगता है उसके बाद से आज तक आम जनता, भारतवर्ष की संपूर्ण जनता का विश्वास और श्रद्धा इसमें बना रहा। और ये मंदिर ही क्यों, जो काशीपुरी है, काशी नगरी है, उसमें आने का, वहाँ रहने का, गंगा जी में स्पर्श करने का, ये पूरे भारतवर्ष की सनातन जनता की इच्छा रहती है। और वो हिमालय से लेकर केरल तक कोई भी ऐसा देश प्रदेश नहीं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की आम जनता के मन में यह भाव न रहता हो कि एक बार जीवन में काशी जाएं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। तो पांडे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सौंदर्यकरण कराया जो अकल्पनीय था, लेकिन उन्होंने उसको सच कर दिखाया। न्यास के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि इस अद्भुत ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हुए हैं। अब मैं तो बहुत ही अभिभूत हूँ कि ऐसे समय मुझे कार्यभार दिया गया जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह निर्माण काल अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरा देश इस कार्यक्रम में जुटा हुआ है। संत हैं, सन्यासी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अनेक राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ देखने का, रहने का और इस कार्यक्रम में भाग लेने का हम सबों को सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने को धन्य मानता हूँ कि मैं इस क्षण पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। पांडे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है
और बेटे का आज उन्होंने फर्ज अदा किया इसका पूरा सौंदर्यकरण करा के, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे? जो ये योजना शुरू हुई, जो कार्यक्रम शुरू हुआ काशी की गलियों का, यहाँ के पुराने मंदिरों का, भवनों का, और फिर इसका विस्तारीकरण, फिर एक ऐसा स्वरूप जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वस्तुतः तो ये अकल्पनीय, अद्वितीय और भारत के इतिहास के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला ये कार्यक्रम है। जो अकल्पनीय था उसे सच कर दिखाया, और ये है एक सच्चा बेटा जिसने ये कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कैमरामैन श्री और कमलेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, ईडी न्यूज वाराणसी। और आइए अब बात करते हैं देश में कोविड 19 महामारी की मौजूदा स्थिति की। पिछले 24 घंटों में 8,464 मरीज कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,41,22,795 हो गई है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। अभी देश में सक्रिय मामलों की संख्या 92,281 है। अगर कोविड 19 नमूनों की जांच की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 11,89,459 नमूनों की जांच की गई। भारत ने अब तक 65,58,00,000 नमूनों की जांच की है। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान 133 करोड़ के आंकड़े के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 89,56,784 वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 132,93,84,230 टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन निंगा संगमा, स्वाधीनता सेनानी समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास और स्वाधीनता सेनानी बाबू गोनू सैद को याद करेंगे। आइए डालते हैं एक नजर। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शहीद स्मारक में अमर है। अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन निंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरे गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन निंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा नेता को हमारा शत शत नमन। बापू सपना सुनहरा साकार कई जाए हमन मिलके। आज हम स्वाधीनता सेनानी समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था। ১৯২১ में महात्मा गांधी गोरखपुर आए तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास कई बार जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1921 में उन्हें कारावास हुई। 12 में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। विराम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे।
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया। स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से भी लोकप्रिय रहे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम के रजाकारों से भी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद रेड्डी 1959 में आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री और 1961 में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी भाग लिया और उनके सम्मान में तेलंगाना में एक जिले का नाम रखा गया। हे राष्ट्र देवता दे, हे राष्ट्र प्रेषिता दे, आ चंद्र सूर्य ना दो स्वतंत्र भारता दे। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू गेनू सैद को भी स्मरण कर रहे हैं। गेनू बम्बई की एक मिल में मजदूर थे। वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना से बहुत प्रभावित हुए। 12 दिसंबर 1930 को मैनचेस्टर का कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर फोर्ट रीजन में अपनी दुकान से विदेश में बने कपड़े बम्बई बंदरगाह ले जा रहा था। कलभा देवी रोड पर भांगवाड़ी के निकट बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े हो गए और महात्मा गांधी के सम्मान में नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को आदेश दिया कि ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्रक चालक भारतीय था और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारी खुद ट्रक चलाने लगा और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक से कुचलने पर बाबू गेनू की मृत्यु हो गई। इससे पूरे बम्बई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। शहीद बाबू गेनू को शत शत नमन। भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज से स्पेन में शुरू हो रही बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब के बचाव के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। हाल ही में विश्व टूर फाइनल्स में उप विजेता रही सिंधु ने 2 साल पहले स्विट्जरलैंड के बासेल में इस खिताब को जीता था। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद सिंधु इस साल फ्रेंच ओपन, इंडोनेशिया मास्टर्स और इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उन्हें पहले दौर में बाय मिली है। प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में सिंधु का सामना मार्टिना रिपिस्का के साथ होगा। सिंधु को इस मैच में जीत के बाद थाईलैंड की चोचुवांग का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य भारतीय महिला खिलाड़ी सायना नेहवाल इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही हैं। यह पहला अवसर होगा जबकि लंदन ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता और विश्व चैंपियनशिप 2015 की रजत पदक विजेता सायना नेहवाल चोटिल होने के कारण इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी। और पुरुष एकल में 12वीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत आज अपनी शुरुआत करेंगे। श्रीकांत का सामना पहले दौर में स्पेन के पाब्लो अबेन से होगा। वहीं बी साई प्रणीत का पहले दौर में मुकाबला इंग्लैंड के मार्क कालजो से होगा। एचएस प्रणय पहले दौर में 8वीं वरीयता प्राप्त एनजी कालोंग का सामना करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए शनिवार को रोमांचक जीत दर्ज की। लिवरपूल ने एस्टन विला को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस तरह विला के मैनेजर स्टीवन जेरार्ड की लिवरपूल के मैदान पर वापसी हार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि जेरार्ड लिवरपूल के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने लिवरपूल के लिए 710 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 186 गोल किए हैं। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच शुरू से कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन पहले हाफ में हालांकि कोई भी गोल नहीं कर पाई और दूसरे हाफ में लिवरपूल को पेनल्टी के रूप में गोल करने का अच्छा मौका मिला। सलाह ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया और गोल कर टीम की 1-0 से जीत तय कर दी।
इस जीत के साथ लिवरपूल अंक तालिका में 37 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नए मैनेजर रॉल्फ रंगनिक की कोचिंग में अपनी जीत के सिलसिले को शनिवार को भी बरकरार रखा। मैन्यू ने एक रोमांचक मुकाबले में नॉर्विच सिटी को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल करने के कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन हर बार नॉर्विच के बेहतरीन डिफेंस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। दूसरे हाफ में भी यूनाइटेड ने अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए नॉर्विच पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी बीच 75वें मिनट में नॉर्विच के खिलाड़ियों की गलती की वजह से मैन्यू को पेनल्टी मिली। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने इस पेनल्टी को गोल में तब्दील कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद मुकाबले में और कोई गोल नहीं हो सका और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया। गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। शनिवार को खेले गए मुकाबले में मैन सिटी ने वॉल्वरहैम्पटन को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ में वॉल्वरहैम्पटन ने सिटी को कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि पहले हाफ का खेल खत्म होने से पहले वॉल्वरहैम्पटन के जिमिनोज को दूसरा कार्ड दिखाया गया, जिस कारण उन्हें बाकी के मैच में 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा। मैन सिटी के रहीम स्टर्लिंग ने 66वें मिनट पर पेनल्टी के जरिए गोल कर टीम को 1-0 से आगे किया। इसके बाद कोई भी टीम मुकाबले में गोल नहीं कर पाई और इस जीत के बाद सिटी ने अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद लिवरपूल से एक अंक की बढ़त बनाए रखी है। बेसबॉल का खेल अपने आप में खासा रोमांचक होता है। अमेरिका में तो इस खेल के प्रति दीवानगी अच्छी खासी है। अब यह खेल भारत में भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में मेजर बेसबॉल लीग का आयोजन किया गया, जिसमें 12 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में एक टीम श्रीनगर की भी थी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अमेरिका के लोकप्रिय खेलों में शामिल बेसबॉल को भारत में नया मुकाम दिलाने के लिए लगातार कवायद चल रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में मेजर बेसबॉल लीग का आयोजन किया गया, जहां 12 राज्यों से आए 9 से 11 साल के बच्चों ने शिरकत की। इस खेल के प्रति इन बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। भारत की तरफ से अमेरिका के पिट्सबर्ग पायरेट्स की टीम का हिस्सा रहे दिनेश पटेल भी इन बच्चों का हौसला बढ़ाने इनके बीच पहुंचे और अपने अनुभव इन युवा बच्चों के साथ साझा किए। जो MLB इंडिया जो कर रही है, मेजर लीग बेसबॉल जो बेसबॉल डेवलप करने के लिए अपने इंडिया में कर रही है, इससे देख के पहला मतलब फाउंडेशन बना रही है। इससे भविष्य में लगता है कि बेसबॉल का अच्छा फ्यूचर होगा। ये बच्चे इस खेल की हर एक बारीकी को सीखने के लिए खासे उत्सुक दिखे और उनका मकसद आगे जाकर इस खेल में अपना भविष्य बनाना और अमेरिका के बड़े क्लब में शामिल होकर देश का नाम रोशन करना है। मैंने एक्चुअली तो बहुत कुछ सीखा है मारटपल्ली में, जो तेलंगाना में पड़ता है, पर यहाँ पे आके कुछ अलग ही किस्सा है। यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा बॉल किस में फेंकूं, यहाँ पे तो बेसिस ही अलग है। तो ये मुझे इंटरेस्ट इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें जीता तो अमेरिका भी जा सकता हूँ, तो उसलिए मैं आया हूँ खेलने। So happy that I came to Delhi first time and this is my good experience that so happy playing in baseball. Yes, I want to go to US and America, like the different places and states I want to go. इन प्रतियोगिता में एक टीम जम्मू कश्मीर की भी थी, जो वादी में खेलों के विकास की कहानी बयां कर रही है। गुलमर्ग में खेले गए विंटर खेलो इंडिया में इन युवाओं ने बर्फ पर इस खेल को खेला था और आज इतनी बड़ी लीग में खेलना उनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीर के युवा बच्चों का जोश भी इस सर्द के मौसम में गर्मी पैदा कर रहा था। ग्रास रूट लेवल है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर अगर बीच में या बड़े बच्चों के लिए ये गेम इंट्रोड्यूस की जाए तो काफ़ी मुश्किल रहती है। अभी ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया तो ये अच्छा है कि बिगिनर्स है ये सारे, तो आगे जा के इनको भी ये मतलब सहूलियत होगी, आसानी होगी ये गेम समझने के लिए। जी सर, हमने तो ये जब खेलो इंडिया हुआ तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, खेलो इंडिया में विंटर गेम्स में भी किया हमने पहली बार, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमने ये इंट्रोड्यूस की है पे हमने खेला है ये बेसबॉल। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया था गुलमर्ग में। जब हम टूर्नामेंट खेलने के गए तो वहाँ बहुत मज़ा आया, वहाँ में बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ पर बहुत नए चीज़ें देखे, नए बिल्डिंग्स देखे, हम इससे आगे और सीखेंगे।
इस प्रतियोगिता को प्रोफेशनल तरीके से कराने का मकसद पूरे हिंदुस्तान से ऐसे बच्चों की करना है जो आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करें और विदेशी सरजमी पर भी अपने नाम की धूम मचाएं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नया मुकाम दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये युवा खेलों में भी अपनी भागीदारी दिखा करके नई उपलब्धियां लगातार हासिल कर रहे हैं। मेजर बेसबॉल लीग में इनके हुनर का जलवा देखने को मिला, जो साफ दिखाता है कि आने वाले समय में वादी से निकल करके ये युवा बच्चे इंटरनेशनल मंच पर देश का नाम रोशन करेंगे और ऐसी लीग में शामिल होकर के एक नया इतिहास लिखेंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, गुड़गांव। अमेरिका में केंटकी और 5 अन्य राज्यों में विनाशकारी तूफान का कहर जारी है। केंटकी में तूफान से मरने वालों की संख्या 70 हो गई है। केंटकी राज्य के गवर्नर एंडी बेशिर ने कहा कि केंटकी में 200 मील से अधिक के क्षेत्र में चक्रवात आया और 10 या उससे अधिक काउंटी में मृतकों की संख्या 100 के पार जा सकती है। केंटकी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय गार्डों को लाया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय आपातकालीन आपदा घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर केंटकी के लिए राशि जारी की है। लिवरपूल में G7 विदेश मंत्रियों और विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक के साथ यूनाइटेड किंगडम अपनी G7 की अध्यक्षता का कार्यकाल पूरा कर रहा है। 2022 में जर्मनी G7 की अध्यक्षता करेगा और आगामी बैठक में अपनी प्राथमिकताएं पेश करेगा। लिवरपूल में कल से शुरू हुए 2 दिवसीय बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा के उनके समकक्षों ने भाग लिया। इस बैठक के एजेंडे में रूस और चीन के साथ संबंधों के अलावा यूक्रेन, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान और अफ्रीकी महाद्वीप में वर्तमान घटनाक्रम शामिल रहा। साथ ही बैठक में मंत्रियों ने वैश्विक स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, बुनियादी अवसंरचना और लैंगिक समानता जैसे मूलभूत मुद्दों पर भी चर्चा की। ब्रिटेन की अध्यक्षता में इंडो पैसिफिक में भी क्षेत्रीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी गई है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ साथ आसियान के विदेश मंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 26,99,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक 53,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 24,27,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5,07,00,000 से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 8,17,000 से अधिक है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में फार्मा कंपनियों को कोविड-19 परीक्षण किटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगभग 5.3 मिलियन पीसीआर और एंटीजेनिक परीक्षण किए गए थे, जो कि पिछले सप्ताह की तुलना में 31% से ज्यादा थे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 82,14,000 से अधिक है। वहीं 1,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। और दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच माल्टा ने फिर से आउटडोर और इंडोर स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। माल्टा में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं सरकार के कोविड प्रतिबंधों को और कड़ा करने की कोई योजना नहीं है। माल्टा में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 470 लोगों की मौत हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंक जमा बीमा कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे। जमाकर्ता प्रथम 5,00,000 रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आयोजित समारोह में जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा धनराशियों जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू,
सावधि जमा आदि को शामिल किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस सुधार के तहत बैंक जमा राशि बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक के हिसाब से 5 लाख रुपए के जमा राशि बीमा कवरेज के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक। और आइए सीधे ही चलते हैं इस कार्यक्रम में, जहां प्रधानमंत्री आज बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम के जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय राजमंत्रीगण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वेबकास्ट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े माननीय केंद्रीय मंत्रीगण एवं 16 सहकारी बैंकों के जमाकर्ता साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं आदरपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आज हम बैंक जमाकर्ताओं के हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको जानकारी होगी कि जब कोई बैंक कठिनाई में आ जाता है तो उस बैंक पर RBI का प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। ऐसे बैंकों में पूर्व की व्यवस्था जो थी उसके अनुसार बैंकों के जमाकर्ताओं को अपनी जमा धनराशि में से मात्र 1 लाख रुपया तक की राशि प्राप्त होती थी और उस राशि को भी प्राप्त करने